किसानों को रौंद के चला गया, वो दंगा नहीं था, क्या था सर वो? राष्ट्रीय लोकदल गुड्डू भैया बीजेपी जीत रही है यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विलेज इंडिया। इस वक्त हम सादाबाद क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग और युवा लोग खड़े हुए हैं, उनसे यहाँ पर जानेंगे किसका वर्चस्व है और कौन बनेगा यहाँ का किंग और कौन जीतेगा। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? हाँ साहब, RLD का माहौल है जी। ऐसा क्या रीजन है कि RLD का ही माहौल है, आप ये बताएं। RLD का है साहब, विकास कुछ नहीं है, गैया आवारा, बिल्कुल खेतों खराब कर गई। सरकार जिस तरीके से गरीबों के लिए अनाज मुहैया करा रही है, राशन दे रही है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? अब गरीब ने कई बार राशन दे का हैरो, ऐसा कोई विकास है रो, कोई नौकरी दे लग रो है, बालक सब वैसे ही घूम रहे हैं आवारा, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, मेहनत करते हैं अपना रह जाते ही। ताऊ जी आपका क्या मानना है, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ तो हमारे जय जीत रहे हैं RLD। तो अभी कुछ गांव में हम गए थे तो वहाँ पर जो है BJP का वर्चस्व था। हाँ, वो सही है, तुम्हारी बात सही है, मैं तो ऐसा है। तो आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी एज है आपकी, तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या रीजन रहेगा कि RLD जीतेगी? भाई उम्मीद तो जाइएगा वो RLD जीतेगी। अच्छा, कितने प्रतिशत वोट हैं जो है जाटों के, और जाटों के अलावा भी क्या दे रहे हैं ये बताएं? वो अब के बाद सगल लोगों ने तो मिल रहे हैं, वह छुट्टी के ब्राह्मण। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्राह्मण तो ये कुछ क्या कह रही हैं अम्मा, आप बताएं। सब लोग जाई में प्रकाश जो देवर कह रहे हैं हमारे बेटा आनंदी पक्का बाड़ा डर गए, बोलो जयकारो। आप बताएं कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ तो ये RLD जीत रही है। RLD जीत रही है। तो ये गांव कौन सा है? बैरीसला गांव है। बैरीसला में कौन कौन जो है वर्ग के लोग हैं? इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, OBC हैं, SC हैं और जनरल भी हैं, सभी प्रकार के हैं। क्या इस गांव का वोट बटेगा? हाँ बटेगा, वो तो थोड़ा बहुत तो जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं उनका भी बटेगा, और ज़्यादातर यहाँ पे RLD के वोट हैं। BJP कह रही है कि युवा जो हमारे साथ में है। हाँ युवा हैं लेकिन इतने नहीं है ना, अब इसको पता है सभी को कि किस कैसा विकास हो रहा है, किसको जॉब मिल रही है, जो बेरोजगार हैं उनको तो अब उनको तो लग रहा है ना, बुरा लग रहा है ना उनको, तो RLD अच्छी लग रही है उनको तो इस टाइप पे। हाँ तो इनका वही जो जॉब नहीं निकली है उन्होंने, जो भाजपा सरकार में बताई है कि जॉब नहीं निकली है, और पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे हैं जॉब, इतने रोजगार ज़्यादा हुए। जैसा कि युवा कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं, तो वहीं जो है एक ताऊ जी हैं उनसे जानेंगे। ताऊ जी आपका क्या मानना है, कौन जीत रहा है यहाँ से? BJP जीत रही है यहाँ से। BJP क्या क्या रीजन रहेगा? BJP नाज दे रही है, गेहूँ दे रही है जी। और क्या अभी यहाँ पर एक ताऊ जी कह रहे थे कि यहाँ पर सांड घूम रहे हैं, सांडों की वजह से नहीं दे रहे हैं। सांड तो गैया सांड ही डाल रही हैं, और क्या डाल रही हैं, आदमी डालेंगी। तो और क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग करने के आपके, ये बताएं? जाइए नाजको जाइए का मुद्दे का बराबरी गई। अच्छा, विकास ठीक हुआ है? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मुरारी पहलवान। अच्छा जी, तो यहाँ से कौन जीत रहा है ये बताएं आप? यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल गुड्डू भैया। गुड्डू भैया क्या रीजन रहेंगे कि यहाँ से गुड्डू भैया जीत रहे हैं RLD से? पक्का नहीं, क्या रीजन रहेंगे, क्यों जीत रहे हैं यहाँ से? वो तो जनता पूरी है मालूम है जी, बढ़िया आदमी है जी, काम के जुझार हुए, सब काम हुए, सहायता करेंगे सब लोगों की, साथ तो बिरादरी की सहायता करेंगे। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहना चाहोगे? यही कह रहे हैं भाई जी, छोटे जी बालक हैं जिन्हें जीवन बन जाए, जीवन गुजर गो जिन्हें बेकार हैरो है। योगी जी कह रहे हैं हम सुरक्षा कर रहे हैं देश की। हाँ जी तो बात सही है, उन तो बहुत बड़ी सुरक्षा करी है। वो कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी कुल खुद ही कराए रहे सब, कैसे सब तरीका गाय बजा रहे, निगु छुड़वा रहे, किसान की चीज है कोई मददी हतना है, सब तेज डीजल पेट्रोल गाय साड़ों खत्म। गाय साड़ों की बात कर रहे हैं, गाय साड़ कहाँ से आए ये पूछना चाहेंगे? गाय साड़ तो उन्हें छुड़वाई है जी, फसल है रही ना, कोई काम है ना, जब फसल होगी तो साड़ इन्हें छोड़ जाएंगे जी। आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से विजयी है इस बार। किस मुद्दे को लेकर आप राष्ट्रीय लोकदल को वोट कर रहे हैं? विकास को लेकर, किस को लेकर? विकास को लेकर। क्यों विकास नहीं कराया? पिछले 20 साल से क्या विकास हुआ है आप देख लो।
जैसा कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहीं पर जो है काफी अच्छे रोड हैं। यही एक रोड अच्छा है, बाकी रोड देख लो। तो यहाँ पर प्रधान जी हैं, वो कह रहे हैं कि आरएलडी ही जीतेगी, और विकास के मुद्दे क्या क्या रहेंगे अगर आरएलडी जीतेगी तो? विकास तो बढ़िया होगा साहब। अच्छा, ऐसा विकास होगा बालक नहीं नौकरी लगेंगी जी, किसान सुरक्षित रहे आप है वो बढ़िया तरह थे। पहले जो किसान का काम है करता है वो ये करेंगे आराम से, चैनते रहेंगे। इस सीट से पहले से रामवीर उपाध्याय जीतते चले आ रहे हैं, तो पहले से क्या रीजन? कोई विकास ना करे रामवीर उपाध्याय जी ने, आज तक ना करे, अपन ही पेट भरे हुआ है, जनता लूट लूट खाई, जनता मरवाई, छोटे मोटे कोई काम ना है भाई रामवीर उपाध्याय। जी तो कह रहे हैं काफी विकास कराया, अच्छू ना का विकास करा है बताओ, कौन सी भर्ती लिखा रही, कौन सी को घर बनवाए दो, कह रही है ये बताओ, बच्चों से क्या कहना चाह रही हैं अभी, क्या कह रही हैं? बच्चे ही नौकरी लगे बेटा, पढ़े लिखे। अच्छा, और कुछ नौकरी बेटा, और का धन माया है, धन माया तो जीवा खाली कर दी बोरी ने कटवा खाली अभी बेटा किसान को। कैसे खाली हुआ कैसे? अरे सब ले लो बोरी ने, चावल वाला खबार हो जाते हैं ये वो, तो संतुष्ट नहीं हो? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, जीवा खाली किसान की, बिल्कुल किसान ले लो आंटवा खेच नहीं सकती। एक लड़की भी हम 500 का ना, नौ नौ लोड़िया है, एक एक लोड़ा पे, एक एक लोड़ा पे नौ नौ लोड़िया है। तो मोदी जी ने कह दिया कि नौ नौ बच्चे पैदा करो, को मोदी जी खूब करेंगे, मुसलमान तो बच्चा करो, और हिंदू लगे बामन ने बंद कर दियो, चलो बात का बात है, खूब करेंगे फटाफट करो नहीं फटाफट। हमारे मुंदवा को मुसल्ला बड़ो चार चार लोग आई चार दस बीस भी सवाल का। मोदी जी तो उनसे भी नहीं कह रहे, नहीं सुनिए, मैंने सुनिए हिंदू ने बंद और ब्राह्मण ने बंद और मुसलमान ने रोजगार दे रहे हैं। एक बता ले, एक जेब में देख काऊ के पैसा दे रहा जाता, एक जात के पैसा हुआ। अच्छा, छह छह हजार रूपए जो फसल के जो दे रहे हैं वो हल लाइए, कछु ना मिल लो, कछु ना, सब झूठी बात। यहाँ तो आरंडी आ गई, आरएनडी की सख्त जरूरत है। क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग के? मुद्दे समय का रोजगारी नहीं है। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी आप? मैं हाँ, मैं जो कह रहा हूँ कैसे बचे जाऊँ मोदी पे थे, क्या रीजन है मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी जो कह रहे हैं कि 5 किलो नान दे दो और जनता बहका रही, सब काम बंद कर दे, नौकरी छुड़ा लही, बालक पढ़वे तो बैठा दे, दाम ये को सुना है। जो ज्यादा गरीब तबके के लोग हैं उनको अनाज मिल रहा है तो उससे आपको क्या आपत्ति है ये बताएं? वो बैठे खा रहे हैं आराम से, मौज उड़ा रहे हैं, दारू पिया मत है, लुगाई रात को माता है। अच्छा, माते कोटा से दाम ले आए, उन्होंने ले आए गेहूं बेचाए और दारू पी हुआ दारी लुगाई पे लठ पत्ता है। तो ये कर रहे हैं मोदी जी, आप ये बताएं कि वोट देने के क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप? वोट देने के मुद्दे का छूना है, हम तो जो कह रहे हैं भगवान कृपा ऐसी करे धंधो मिले लोगों और आराम से दिवसा काटे। अच्छा, अब गुरु बिना रोजगार है बैठे जे बालक यहाँ दुनिया भर के और अबारा डूल रहे और गिल्ली डंडा खेलता डूलता है, सो जो देश को बिगाड़ और कर दो। ताओ जी ये पूछना चाहेंगे, जब सपा सरकार थी तो कितनी जॉबें निकलती थी ये बताएं? जब तो भलाई नहीं करी, भलाई बालक लगे हाँ, अब वो मान लो आप मेरिट पे भत्ती भाई तमाम बालक लग गए। योगी जी कह रहे हैं हम सुरक्षा कर रहे हैं, काय की देश की लुगाई हाथ मिला डुलतो मोदी, यहाँ का सुरक्षा है, यहाँ का सुरक्षा बताइयो, मैं विदेश जाके लुगाई हाथ मिला मत कह रहे हैं हमारा शासन सख्त है, कछु सख्त ना है, अब कुछ सरे आमत होगा पुलिस हवाई हुआ सड़क लूट रहे, चोट तो पकड़ना रहे और किसान ने पकड़ लेता बालक खेत पर जा रहे हो गुलाओ को हेलमेट और वो माठिया चोटा जा रहे कहाँ से पल करे गुनु कछु ना कह रहे मोदी। तो किसानों के लिए 6000 रुपया मुहैया कराए योगी सरकार ने, उसके लिए क्या कहूँगा? कछु ना उन तक कह रहे खाता निकाल गुन आराम से वो इतनी महंगाई कर दी है और गाय बंद कर ले और आराम से सुरक्षा माल भी बिक जाए किसानों को तो गुजर रह जाए। समय में धान की कीमत कम थी लेकिन अब 3500 के लमसम 3000 के लमसम बिक रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जोरों को मैं ऊपर की सुरख पौधी मर गई, अब अकाल परे हो तो हो ही तेजा आपातकालीन समस्या थी वो हाँ, तो पहले से महंगाई औरों पे बढ़ी है तो फसल पे भी तो बढ़ी है थोड़ी सी हाँ, फसल ही पे बढ़ी है तो अब ये धान पे बढ़ गए, बाजरा तो बारह सही भी क्यों है फसल में कुछ नहीं किया है सरकार ने सिवाय दंगे करवाए बस। नहीं दंगे सरकार में हुए कौन से थे कहाँ हुए बताइए, गिन के बताइए आप। मुख्यमंत्री एक तो ये मेन बात है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इसके लिए ना तो एक योगी 750 शहीद हो गए 13 महीना से पहले
तंग योगी तो पता नहीं क्या कहते हैं, योगी तो कहते हैं रोड बेस को हवा में उड़ा देंगे वो रोड बस को हवा में चलाएंगे वो चला देंगे। नहीं, आपने जैसे दंगाइयों की बात करी तो योगी तो कह रहे हैं कि पहले से दंगाइयों की सरकार रही है, साढ़े सात सरकार 13 महीने धरना चला, 13 महीने धरना चला दिल्ली में, 750 किसान मर गई। वो क्या था, वो नहीं था, वो क्या था, वो नहीं, यूपी की बात करें आप, यूपी की पाकिस्तान कहाँ के थे वो, हम पाकिस्तानी है वो, क्या भारत के नहीं थे वो, सरकार तो केंद्र बीजेपी की है ना, सरकार तो केंद्र बीजेपी की है ना, तो वो कर नहीं सकती थी। 13 महीने बाद एक स्टेट में दिया, किसानों से मिलने तक नहीं गए। तो वहाँ ये बताएं कि वहाँ पर जो दंगा चला, ये बताएं कि वहाँ पर दंगा हो रहा था, क्यों हो रहा था ये बताएं पहले। दंगा किसानों के जो तीन गंदे काले कानून थे, गंदे कानून किसानों के, अपने रेट स्वयं नहीं कर पा रहे, सरकार के हाथों में अपने रेट थे, क्योंकि अपना माल हम अपने हिसाब से बेचेंगे, सरकार को क्यों देंगे जी। मेन मुद्दा तो उसमें यही था। हाँ, कहाँ गए प्रधान जी, आप बताएं, प्रधान जी, हाँ जी आप बताएं, आप बताओ, बोलो बोलो। मुद्दा तो कहाँ है, नहीं, ये भैया कह रहे हैं कि वहाँ पर दंगा हुए थे, योगी जी खुद कह रहे हैं कि पहले दंगाइयों की सरकार थी। सही कही है, सही, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कही है, एक नंबर हीरा बात है, वो की लाला की हीरा बात है, बढ़िया बात कही है। जो दंगे करा रहे, मोदी जी करा रहे, योगी जी करा रहे, दोनों मिलके करा रहे हैं, तो आप गिन के बताइए ना कहाँ कहाँ दंगे हुए हैं। मैं तो भूल जाऊंगा, बहुत दंगे, आ जाओ, अनुसूचित जनजाति लड़की के साथ वहाँ पर न्याय मांगने गए, हाथ उसमें दंगे लट पर भाई, क्यों पर भाई, वजह क्या थी उनका, कोई चोरी थे वो, क्या गुंडे थे, मवाली थे वो, क्या थे, डंडे वे फालने पर भाई, वो भाई अनुसूचित जनजाति जा, लड़की का छेड़छाड़ी हुई, उसका रेप करके उसको वहीं दफनाया दिया गया, उसको उसकी बात खाली, उसकी न्याय के लिए वहाँ पे गए थे, डंडे क्यों पर भाई, लखीमपुर खीरी बात, संसद जी का बेटा जब चार किसान। जैसा कि आपने अभी देखा, कहीं पर कोई नाराज़ है योगी सरकार से और कहीं जो है खुश हैं, और सभी पार्टियों के यहाँ पर सदस्य मौजूद थे, यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी राय रखी, युवाओं ने अपनी बेरोजगार की जो मांग रखी, और ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, और न्यूज़ विलेज इंडिया के साथ आप बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, धन्यवाद।